नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक न्यूज शेयर करना है। यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल है MBBS सीट के बारे में, और आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों में कोई भी नई MBBS सीट नहीं बनी। अब आर्टिकल में यह डिटेल दी गई है, वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आर्टिकल में यह लिखा है, 4 years after the union government set a target to upgrade existing medical college and increase the number of MBBS seats by 10,000 across the country, no new seat have been sanctioned in Madhya Pradesh medical college as opposite to the seat target of 450. Moreover, only 920 new seats have been sanctioned in medical college across the country. तो ये आर्टिकल का यह कहना है कि पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश के स्टेट में एक भी MBBS सीट इंक्रीज नहीं हुई है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि आर्टिकल में ऐसा लिखा है, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है, यानी जो मेडिकल कॉलेज पहले से बने हुए हैं, एस्टेब्लिश है मध्य प्रदेश के स्टेट में, उन कॉलेजों में सीट इंक्रीज नहीं हुई। इसका यह भी मतलब हो रहा है कि यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल नहीं दी गई है। लेकिन एक तरीके से आप बैड न्यूज़ ही कह सकते हैं, क्योंकि जो एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनमें भी सीट इंक्रीज होनी चाहिए। 250 के लिमिट रहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज होने का। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन ध्यान रखिए कि यह सिर्फ पहले से एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात हो रही है। अब जैसे मुझे न्यूज़ मिलेगा यह टॉपिक के बारे में, नए मेडिकल कॉलेज के बारे में, और जैसे मुझे न्यूज़ मिलेगा MBBS सीट के बारे में, तो मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ ये शेयर कर दूंगा। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। धन्यवाद।